हेलो 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 नमस्कार दोस्तों मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा के ऑनलाइन पर सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और दोस्तों पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था पता है क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है सबको मेरा नमस्कार गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग चलिए सबसे पहली चीज हमारा जो टॉपिक था वो था टैक्सोनॉमी मतलब पादप वर्ग की और पादप वर्ग के अंदर हम वर्गीकरण वाली चीजें पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पादप वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और जंतु वर्गीकरण भी पढ़ेंगे दोस्तों पिछली क्लास तक हमने ये सीख लिया था पिछली क्लास तक हमने ये सीख लिया कि पंच जगत प्रणाली किसने दी थी और किस जगत की क्या विशेषता है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है नंबर एक फाइव किंगडम पंच जगत प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं तो पंच जगत जो प्रणाली है उसके बारे में आपको हम बता चुके हैं दोस्तों पंच जगत जो प्रणाली है वो आपकी किसने दी थी आर एच वी दी थी और ये जो पांच जगत थे जिसमें आपका एक तो मोनेरा जगत था प्रोस्टिटा है फंजाई है प्लांटी है और लिया है ये फाइव है पिछली बार अच्छा फोटो लगाया था मैंने उसमें साफ सुथरा दिख रहा है इसमें भी दिख रहा होगा ऐसी बात नहीं है दोस्तों एक पिछली क्लास में मैंने एक शब्द बोला था छह जगत प्रणाली का कि भाई छह जगत प्रणाली किसने दी थी शायद मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में ऐसा पूछा है कि छह जगत प्रणाली किसने दी है लेकिन अलग अलग किताबों में और अलग अलग साइटों पे इसका अलग अलग नाम मिलता है दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने जो नाम लिया था वो था ग्रे एवं डूलिटिल मैंने एक नाम लिया था ग्रे एवं डूलिटिल यह नाम मैंने लिया है ग्रे एवं डू लिटिल डू दोस्तों आपको बताओ यह नाम मैंने लिया है मेरे पास हमारी राजस्थान कक्षा ग्यारहवीं की बायोलॉजी की किताब जो राज्य सरकार की जो किताब है उसमें ऐसा लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट की किताब के अंदर यह शब्द लिखा हुआ था उन्होंने क्या किया था इस मोनेरा जगत को दो भागों में बांट दिया एक आर की वैक्टीरिया एक आर की वैक्टीरिया और एक वैक्टीरिया या यू वैक्टीरिया में समझने की कोशिश करो भाई साहब मैं वैज्ञानिक का जो नाम लिख रहा हूं वो है ग्रे एवं डूलिटिल मेरे भाई ऐसा लिखा है सीधा सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा ग्यारहवीं की किताब के अंदर गवर्नमेंट की किताब है मेरे भाई लेकिन मैंने बब बहुत सारी साइटों पे जब क्वेश्चन देखा कि भाई छ जगत प्रणाली किसने दी तो रियलिटी यह है कि अभी भी अलग अलग साइटों पे अलग अलग नाम दिखा रखा है पहली बात आपसे एक बार फिर से क्लियर कर दू शायद जहां तक मेरा विश्वास है कभी भी छह जगत प्रणाली का कोई जिक्र नहीं होगा लेकिन मैं आपको यह क्लियर कर दू कि गवर्नमेंट की किताब के अंदर ऐसा लिखा है कि भाई जो मोनेरा जगत है इसको दो भागों में बांट रखा है आर की बैक्टीरिया क्या होते हैं अभी बता रहा हूं और एक है यू बैक्टीरिया है ना तो ये बात बोलिए ग्रे एवं डू लिटिल ने लेकिन आ, अभी एक बहुत बड़ी साइट के ऊपर जब हम देख रहे थे तो वहां पर मुझे जो नाम मिला वो कार्ल वॉइस का नाम मिला है ये नाम आप भी ऐड कर लो कार्ल वोइस ये नाम लिखा है छह जगत पिंडाली में कार्ल बॉइस का नाम लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है और यह जो नाम लिखा है जो मैं रियलिटी बताऊं बहुत बड़ी साइट उन पे लिखा हुआ है कार्ल बॉइस का नाम आपको यह भी बता दूं कि जहां पर लोग सबसे ज्यादा सर्च करके नाम बता रहे हैं वहां पर एक नाम और लिखा है उसका भी नाम मैं बता देता हूं केवेलियर uh, स्मिथ का भी नाम लिखा है केवेलियर केवेलियर स्मिथ केवेलियर स्मिथ का भी नाम लिखा है अब मेरे भाई प्लीज मेरी बात को फाइनली आप सुन लीजिए जितने भाई लाइव हैं पहली चीज दो जगत प्रणाली पता है दो जगत प्रणाली किसने दी थी कैरोलस लीनियस ने तीन जगत प्रणाली हैकेल हैकेल चार जगत प्रणाली कोपलैंड कोपलैंड फाइव किंगडम एच वी टेकर यहां से आगे नहीं जाएगी बात फिर भी अगर जाती है तो ऑप्शन देख लेना शायद मेरे हिसाब से ज्यादातर जगह पर कार्ल बॉइस और कैविलियर स्मिथ का नाम लिखा हुआ है शायद एक जगह पर तीनों ऑप्शन में कभी मिलेंगे नहीं तो आपको अगर अभी कोई ऐसी क्वेश्चन मिल जाए तो आप टिक करने के लिए कार्ल बॉइस और कैविलियर स्मिथ का नाम याद रख सकते हो पिंटू भाई क्या पूछ रहा है अब चलिए दोस्तों हमने पिछली क्लास तक प्लीज ये जो पांच जगत प्रणाली है छह जगत को हटाओ पांच जगत प्रणाली में मोनेरा प्रोकैरियोटिक एक कौश के जीव है एक कौश की है लेकिन प्रोकैरियोटिक है प्रोस्टिटा में एक कौशिक है लेकिन यू कैरियोटिक है प्रो कैरियोटिक में केवल ये ही नाम है बाकी आगे सभी कौशिकाए यू कैरियोटिक है यू कैरियोटिक है यू कैरियोटिक है यू कैरियोटिक है, है मैं मेरे भाई केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूं ऑफलाइन कोचिंग अब कहीं भी नहीं पढ़ाता अपने घर से पढ़ाता हूं और आपके फोन में देखता हूं इसके अलावा मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं हाँ भविष्य में मैं अभी विचार कर रहा हूं जयपुर का बाकी का अभी मेरा पूरा तरीके से ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं है भाई होगा तो जयपुर में होगा नहीं तो अभी कहीं नहीं है तो प्लीज अब मेरी बात को आप अच्छे से समझ लें हमने पिछली क्लास तक ये पंच जगत प्रणाली को अच्छे से पढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब हमें पढ़ना चाहिए एक एक जगत के बारे में दोस्तों सुनो सुनो यार मैं आपको ये जो पंच जगत प्रणाली है ये जो पंच जगत प्रणाली है पंच पंच जगत प्रणाली आरएचबी टेकर इसमें से हम एक एक का वर्णन करेंगे बड़े लेबल के साथ में नंबर एक पर मैं मोनेरा का वर्णन करूंगा नंबर दो पे मैं प्रोस्टिटा का वर्णन करूंगा प्रोस्टिटा प्रोस्टिटा नंबर तीन पर मैं फंजाई फंजाई या कवक का वर्णन करूंगा नंबर चार पर प्लांटी या पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे और नंबर पांच पर एनिमेलिया जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको यह क्लियर कर दू देखिए मोनेरा में किस किस का वर्णन पढ़ना है मेरी बात को थोड़ा समझ लेना अब थोड़ी बात चीजें उलट पुलट होने जा रही है मोनेरा में किस किस का वर्णन पढ़ेंगे? दोस्तों मोनेरा में हम पढ़ेंगे आरकी बैक्टीरिया बैक्टीरिया ये पुराने बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों इसका वर्णन है मेरे पास कोई नहीं बताएगा आपको मेरे पास है समय लगेगा लेकिन एक बार में इतने लेवल तक की चीजें बता दूंगा कभी किसी किताब के हाथ लगाना ही नहीं है गलती से भी नहीं लगाना आ, यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया जिनको कहते हैं सत्य जीवाणु माइकोप्लाज्मा माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया के बारे में यहां पे हम पढ़ेंगे के के बारे बारे में में ये तीन जीव, चार चीजों के बारे में हम इस मोनेरा जगत के अंदर पढ़ेंगे कहने का मतलब अगर मैं मोटी भाषा में बात करूं मेरे भाई तो इस जगत के अंदर केवल और केवल मेनली वैक्टीरिया का वर्णन है सीधी भाषा में यह है कहानी लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों ध्यान से सुनिए जब मैं एक बार दो बार बोलूंगा जब मैं ये वाली चीज पढ़ाऊंगा ना ये वाली चीज पादप वर्गीकरण तो पादप वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा। पादप वर्गीकरण में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं थैलोफाइटा के बारे में सुनो सुनो एक बार ये चीज को क्लियर कर लो पहले मैं जो बोल रहा हूं थैलोफाइटा दोस्तों जब हम पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको पता है थैलोफाइटा मतलब पादपों का अलग अलग ग्रुप बना रखा है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वापस सुनो जब हम पादप वर्गीकरण शुरू करेंगे तो पादपों को हमने पांच ग्रुप में बांट रखा है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर पांच ग्रुप में हमने बांट रखा है किसको पादपों को जब मैं आपको थैलोफाइटा पढ़ाऊंगा आ सेलेजी आपको मैं ये क्लियर कर दूं थोड़ा समझने कोशिश करिए अगर मैं लोगों की किसी तरह दो या तीन क्लास में वर्गीकरण को खत्म करूं जब तो हाथ से लिख दूंगा लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैटर में आपको बताऊं चाहे वो पीपीटी से याद कराऊं, चाहे कैसे भी याद कराऊं, समझने की कोशिश करिए अगर एनसीईआरटी की चीजों को पढ़ाना है तो समय लगेगा और समय को थोड़ा कम करने के लिए पीपीटी का उपयोग करना पड़ेगा मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं लोगों ने पादप वर्गीकरण पे एक क्लास लगा रखी है आप एक बार डाबरा सर के कहने से जिसकी भी भाई मान लो किसी भाई के पास किसी दूसरे टीचर का कोई कोर्स है तो एक बार डाबरा सर के कहने से पादप वर्गीकरण खोल के देख लेना मेरे भाई पादप वर्गीकरण पे दो क्लासे लगा रखी है दो दो, दो दो मैं कह रहा हूं इस पादप वर्गीकरण को केवल इसकी बात कर रहा पादप इस पादप वर्गीकरण को समझने में चार से पांच क्लास लग जाएगी पूरा NCRT पढ़ा दूंगा कक्षा ग्यारहवीं का क्वेश्चन वहीं से आएंगे दसवीं में है ही नहीं ये चीजें इसलिए मुझे पीपीटी का सहारा लेना पड़ रहा है और नहीं तो दोस्तों लोगों की इस तरह अगर मुझे थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी है तो मैं खत्म कर दूंगा इसको तो इसलिए ज्यादा पढ़ाने के लिए थोड़ा सा मुझे पीपीटी का सहारा लेना पड़ रहा है लेकिन रही मेरी समझाने की बात तो प्लीज धैर्य रखे हर एक शब्द में सिखा के जाऊंगा समझा के जाऊंगा याद आपको करना है दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं जब हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे तो थैलोफाइटा में भी हम जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे पर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फिर ध्यान रखना यही पढ़ भाई मोने समझने की कोशिश करो या तो मोनेरा में पढ़ लो लेकिन जैसे 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 समय आता गया नई चीजें आती चली गई फिर आगे चलकर इन जीवाणुओं को या बैक्टीरियाओं को हेलोफाइटा में पढ़ने जाने लगा पहले 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 शुरू में अगर हम पुरानी बात करते रहेंगे तो बैक्टीरियाओं का ग्रुप कौन सा है जगत कौन सा है मोनेरा जगत बैक्टीरियाओं का जगत कौन सा है मोनेरा अगर हम पुरानी बातों पर चलेंगे समझना अगर हम बहुत पीछे की बातें बोलेंगे तो बैक्टीरियाओं को कहां रखें भैया आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया मतलब ये सत्य जीवाणु बोलते हैं इनको सत्य 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 जीवाणु माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं नील हरिश, हरिश हैं बहुत अच्छे से पढ़ो यार मैं दावे के साथ गारंटी ले रहा हूं एक बार सीख लो इससे ज्यादा मत पढ़ना जीवन में चाहे पास हो चाहे मत हो मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूं और पूरा अपडेट कर रहा हूं मैटर अरे पहले मैंने भी मेरे पास भी था

पहले मोनेरा जगत को पूरा हाथ से लिखा है मैंने ऐसी नहीं है कक्षा ग्यारहवीं की पहले एनसीआरटी उठाई है और एनसीआरटी से पूरे मोनेरा जगत को हाथ से लिखा है मैंने पूरा मोनेरा जो जगत है उसको हाथ से लिखा है पूरी एनसीआरटी किताब सामने रखी है क्योंकि एनसीआरटी में तो बहुत लिमिट से ज्यादा है उसमें से पूरे मोनेरा जगत को निकाला है पूरा मोनेरा जगत को अलग किया है पूरे मोनेरा जगत को निकाल दिया पूरे मोनेरा जगत को निकाला अलग से और पूरे मोनेरा जगत और भी, में, और भी पूरे जगत को निकाला है फिर उसकी मैंने पीपीटी बनवाई है पीपीटी इसलिए बनवाई है ताकि थोड़ा सा क्योंकि लिमिट से ज्यादा हो जाती है लिमिट से ज्यादा अगर क्लासें हो जाती है तो बच्चों को वो टीचर भी बुरा लगता है मैं मानता हूं इस चीज को मुझे पता है मेरा भाई अगर मैं कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बहुत सी बार वो मुझे नुकसान कर जाती है तो फिर इस चीज को मैंने पीपीटी बनाई ताकि हो सके कि मेरी दो घंटे की जो चीजें हैं मैं आपको एक घंटे में समझा सकूं अगर मेरे पास मैटर लिखा हुआ है तो ऐसे थोड़ी मेहनत होती है यारो अगर मुझे घास काटनी होती ना तो अब तक बायोलॉजी हो आके खत्म कर देता साइड में लगा देता लेकिन ऐसे साइड में नहीं लगाएंगे पूरा पढ़ेंगे एक बार पढ़ेंगे चाहे दुनिया का कोई सी भी तैयारी हो इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना सुनो मेरी बात देखो पहले मैं मोनेरा का वर्णन करके इसमें पढ़ा दूंगा आर की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा यू बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा साइनो बैक्टीरिया चारों के बारे में यहां बता रहा हूं लेकिन जब मैं आगे थैलोफाइटा पढ़ाऊंगा तो थैलोफाइटा में ध्यान रखना एक तो हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे सेवालों को पढ़ेंगे सेवाल है ना और इसी में कवकों को पढ़ेंगे कवक फंजाई को समझने की कोशिश करो जब नया वर्गीकरण आएगा तो मेरा कहने का मतलब यह है ये जो मोनेरा वाली जो चीजें है ना यह में पड़ी जाती है ये जो फंजाई वाली जो चीजें है कवक वाली चीजें है ये भी थैलोफाइटा में पड़ी जाती है और सेवालों का वर्णन भी कहां पे चलता है में चलेगा तो मेरा कहने का मतलब मैं बैक्टीरियाओं को अभी तो यही पढ़ा रहा हूं मोनेरा के अंदर पढ़ा देता हूं बैक्टीरिया को पूरा बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर बैक्टीरिया यहां दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा प्लीज है ना जैसे मैं कवक को यहां पढ़ा दूंगा कवक कवक पूरा यहां पढ़ा दूंगा तो कवक को मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा तो ध्यान रखना जब हम थेटा पढ़ेंगे तो थैलोफाइटा में मैं वहां पर केवल किसका वर्णन करूंगा सैवाल का वर्णन करूंगा जब मैं आपको थे पढ़ाऊंगा तो वहां पर केवल मैं सहवाल का वर्णन करूंगा क्योंकि बैक्टीरिया और कवक को मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं बैक्टीरिया अलग पढ़ा रहा हूं पूरा पूरा कवक अलग पढ़ा रहा हूं और पूरा सहवाल अलग पढ़ाऊंगा समझ लेना थैलोफाइटा हो गया थैलोफाइटा हो गया समझ जो कैसे पूरा बैक्टीरिया अलग पढ़ा रहा हूं पूरा कवक अलग पढ़ा रहा हूं पूरा सहवाल पढ़ा दूंगा समझ लेना फिर जाके लगेगा कि थैलोफाइटा पूरा हो चुका है आपने अभी लिया है बैच तो आज से शुरू कर दे भगवान का नाम लेके पढ़ता रहे एक साल तक मैं भी यही हूँ तू भी यही है अरे भाई पुराना तो आज से संभाले ना तू तो आज पहली क्लास संभाल भाई वर्गीकरण से शुरू कर दे जिसने आज बैस लिया है तो आज अगर बैस लिया है तो वर्गीकरण से स्टार्ट कर दो और वापस वर्गीकरण पे आ जाए समझ लेना विज्ञान पूरी हो गई आपकी जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर आज हमने कोर्स लिया है तो वर्गीकरण से स्टार्ट करो लिखो वर्गीकरण आज मेरी पहली क्लास और जब वापस घुमा के फिजिक्स पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा बायो पढ़ाऊंगा फिर वापस वर्गीकरण पे लिया आऊंगा तो समझ लेना आपका कोर्स हो गया लाइफ चलता ही रहेगा बारह मास पढ़ाता रहूंगा घबराने की जरूरत नहीं चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हेडिंग पे लगाइए मोनेरा जगत मोनेरा सबसे पहले बार बार बोल रहा हूं सबसे पहले जगत मोनेरा स्टार्ट कर रहा हूं मेरे भाइयों अलग से सेपरेट और कुछ बातें मैंने मोनेरा के ऊपर पहले भी बता चुकी है पिछली क्लास में मोनेरा के ऊपर पांच छह लाइनें बोली है उनको याद करो मोनेरा में एक कौश के जीब आएंगे एक कौश की है प्रोकैरियोटिक पहले मेरी बात को याद करिए मैं क्या बोल रहा हूं मोनेरा की बात कर रहा हूं मोनेरा में कौन आता है पहले इस लाइन को तो क्लियर कर लो मोनेरा में एक कौश की है एक कौश की है कितने कौश की है एक कौश की है यू कैरियोटिक नो कैरियोटिक आते हैं प्रो कैरियोटिक आते हैं प्रो कैरियोटिक आते हैं है। कौन आता है मोनेरा में ओके okay, ओके okay, भाई सैलेस मोनेरा में कौन आएगा एक कोश की है प्रोकैरियोटिक कोई नया स्टूडेंट आता है तो मेरा ये कहना है कि पहले एक बार जैसे थोड़ा सा हाँ भले आप लाइव चलो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम ये जो वनस्पति स्टार्ट किया ना वहां से पढ़ते हुए आओ क्योंकि थोड़ा समय निकाल के वीडियो दो दो तीन तीन वीडियो देख के और पीछे की जो वनस्पति विज्ञान की जो वीडियो उनको देखते आओ और फिर मेरे साथ साथ चलो कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही बायो पूरी होगी फिजिक्स में तो ऐसे समझ लेना कोई टेंशन नहीं है फिजिक्स से दोबारा जुड़ जाना केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पढ़ा लेकिन अभी तो आप अब सुनो, में कौन आएगा एक कोस की है प्रो कैरियोटिक जीप एक कोस की है प्रो कैरियोटिक जीप एक कोस की है प्रो कैरियोटिक जीप प्रो कैरियोटिक का मतलब जिनमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है तो शुरू कर दे मोनेरा कौन कौन पढ़ोगे मोनेरा में आरकी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है स्टार्ट कर दे ठीक है एक चीज थोड़ा सा सभी भाइयों को मैं बता दू प्लीज आ, अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा प्लीज एक मिनट का समय खराब कर रहा हूं जिनके पास मेरी बुक है बुक में थोड़ा सा हाथ से जब लिख रहा था मैं तो एक जगह स्टेप ऊपर नीचे हो गया आपको मैं बता दूं वहां पर मैंने वैसे जैसे थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना तो आपको सब पता चला अब यह बात किसको नहीं पता ये गलती से मेरे पे गलत बुलाऊंगा बाकी का मैंने बहुत जगह बोला दो तीन चीज बोल रहा हूं प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए दोस्तों सबको पता है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है या पारा सबको पता है और मैं क्या कर रहा था धातु और अधातुओं में जब अंतर लिखा रहा था जिसने केमिस्ट्री पढ़ ली होगी या फिर जो पढ़ोगे प्लीज इसको फिर थोड़ा सा प्लीज नोट कर लेना वहां पे मेरे से गलत बुलाऊ आ गया एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते धातु धातु धातु, धातु। है ना तो वहां पर लिखाऊ आ गया ए धातु तो मैं अंतर कर रहा था मैं अंतर कर रहा था एक तरफ मैं धातु लिख रहा था और एक तरफ मैंने ए धातुओं मैं में अंतर कर रहा था तो जब मैं धातुओं में धातुओं में ही जब लिख रहा था ना धातुओं में तो उस समय यहां पर बुलाऊ आ गया एकमात्र ए धातु मैं लिखा धातुओं में ही है वो बहुत सारे अंतर लिखे थे मैंने बहुत सारे अंतर लिखे थे धातुओं में और मैं धातुओं में ही लिख रहा था कि एकमात्र जब यहां पर लिखा हुआ तो सब जानते हैं फिर भी मेरी गलती थी मैं यहां लिख रहा था उसको यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया एकमात्र ए धातु लिख दिया तो और लिखना धातु ही था क्योंकि धातुओं में ही तो लिख रहा था वो तो प्लीज ये एकमात्र धातु वाली लाइन थी वही लिख रहा था मैं तो आप समझ गए होंगे बहुत सारे भाई तो समझ गए कि सर से ये गलत लिखा हुआ गया तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकर है, आदमी है लेकिन शायद आगे बहुत जगह बोल दिया होगा और शायद मेरे पूरे जीवन में सौ जगह बोला होगा कि भाई एकमात्र धातु लेकिन एक भाई कह रहा था गुरु सही पढ़ाओ गलत पढ़ा रहे हो अरे यार भाई हम आपके जैसे ही तो इंसान है जब हमने 200 घंटे की साइंस पढ़ाई है और कहीं दो तीन जगह कोई गलत शब्द निकलगा तो यार इसका मतलब गलत थोड़ी पढ़ा रहे हैं एक चीज और चलो ठीक है ये सही हो गया क्वेश्चन नंबर दो पूरी केमिस्ट्री के अंदर सौ बार बोला होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है आपको पता है हाइड्रोजन को सारणी में नियम से इधर होना चाहिए था इधर होना चाहिए था लेकिन हाइड्रोजन यहां है देखो दोस्तों हाइड्रोजन को हाँ हाँ वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और ऑफलाइन बाद में कभी भी देख सकते हो लेकिन जब वीडियो स्टार्ट करो तो नेट चालू कर दे थोड़ी देर के लिए जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाए फिर नेट बंद कर देना अब सुनो भाई थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन की बात कर लूँ तो अगर जो स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे हो सके कोई नया स्टूडेंट हो और उसको बिल्कुल ही नहीं पता हो सौ बार बोला है लेकिन एक भाई कह रहा था सर कहीं पे एक शब्द गलत बुलाऊंगा गया कोई बात नहीं सुन लो हाइड्रोजन ए धातु है रखा धातुओं के साथ में है इधर सबके सब, सब धातु है भाई इधर सबके सब, सब धातु है धातु धातु है। है? इधर सब, सब क्या है? लेकिन हाइड्रोजन अपवाद है। है। बार बोला हाइड्रोजन अपवाद है, है हाइड्रोजन धातु नहीं है इसको रखा धातुओं के साथ में सुन लीजिए हाइड्रोजन को रखा धातुओं के साथ में है रखा धातुओं के साथ में है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो धातु नहीं है हाइड्रोजन ए धातु है अलग से लिख दू हाइड्रोजन क्या है ए धातु है क्लियर कर लो भाई यह बात सबको पता है हाइड्रोजन को धातुओं के साथ में रखा है गुण के हिसाब से लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं है हाइड्रोजन धातु नहीं है हाइड्रोजन धातु नहीं है हाइड्रोजन ए धातु है हाइड्रोजन ए धातु है हाइड्रोजन ए धातु है, है, है। प्लीज इसको सही कर लेना कहीं अगर गलत बुला हो तो नंबर तीन एक तीन एक और चीज नंबर तीसरी चीज जो है वो ये है नंबर दोस्तों अभी आ, अपनी जो किताब मार्केट में गई है जिनके पास में किताबें हैं तो जब हम आ, एक संयोजकता का चार्ट बना रहे थे तो उसमें एक ऊपर नीचे हो गई थोड़ी सी नीचे की बात है तो मैं आपको बता दू सिलिकॉन सिलिकॉन की संयोजकता प्लस चार भी हो सकती है माइनस चार भी हो सकती है स्थाई संयोजकता माइनस होती है सिलिकॉन सिलिकॉन इसके बाद फास्फोरस की संयोजकता माइनस तीन होती है माइनस तीन होती है इसके बाद सल्फर की संयोजकता माइनस दो होती है इसके बाद क्लोरीन भाई प्लीज वो एक स्टेप नीचे खिसक गया क्लोरीन की संयोजकता माइनस एक होती है और आर्गन की संयोजकता जीरो होती है पोटेशियम की संयोजकता प्लस एक होती है कैल्शियम की संयोजकता प्लस दो होती है कहीं नहीं यहां पर थोड़ा सा इस जगह पे से वो एक कॉलम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अब आपको पता ही अगर एक ऊपर लिख दिया ये वाली चीज अगर ये वाली चीज ऊपर हो गई ये वाली चीज ये वाली चीज एक ऐसे ऊपर हो गई तो वो फिर ये इसके सामने दिखेगी इसके सामने उल्टा हो गया तो कहने का मतलब ये अपनी किताब के अंदर सबको दस बार लिख बता रखिए खैर चीजें लेकिन फिर भी यहां से यहां तक की जो चीजें हैं ये वाली चीजें ये इसको एक बार बुक में सही कर लेना बुक में सही कर लेना प्लीज इस बारी चीज को जिनके भी पास पे बुक गई है पेज नंबर भी बता दू जरूरी है भाई छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है किसी का परीक्षा में यही चीजें आ जाए ये है ना दिक्कत तो पता चले जो पढ़ाया है वो ही चीज अगर आ जाए पेज नंबर तीन सौ पे। पेज पे है ना अब हो सकता है आगे चल के तो ये नई अपडेट हो जाएगी तो पेज तो कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ध्यान रखना और एक जगह जैसे अपन कोई पेज पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको बताऊं मैं जैसे कार्बन फोर्टी का समस्थानिक जो है वो है नाइट्रोजन फोर्टीन ये समस्थानिक है सॉरी है ये क्या है संभारिक है. संभारिक है ये कार्बन फोर्टीन और इधर नाइट्रोजन फोर्टीन नाइट्रोजन का तो ये लेकिन ये नाइट्रोजन को नंबर है ये गलत लिखा हुआ गया था किताब में तो ये सबको पता है कि नाइट्रोजन सात नंबर पे आवे है. लेकिन प्लीज किताब में ये गलती से नौ लिखा हुआ गया काट लेना सबको पता है नाइट्रोजन सात नंबर पे आवे नाइट्रोजन सात नंबर पे आ सब बच्चों को पता है ऐसी बात नहीं है हजार बार है लेकिन लिखने में गलत आ गया तो आ गया प्लीज इसको सही करना है, <णगी> है> नाइट्रोजन सात पे यार बच्चा बच्चा जानता है लेकिन गलती से लिखा आ गया तो आ गया तो कोई गलती है यार इतनी बड़ी चीजें है इतनी चीजें लिखते हैं कोई छोटी मोटी गलती मिलेगी हमको तो हम आपको बताते चलेंगे ये आपको ध्यान रखना है हम आ, आप आदमी है लिखना वो ही चाहे लेकिन कोई चीज उस टाइम और पकड़ में और नहीं आती आप जैसे भाई बताते कि सर कुछ गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है चलो आप सुनो हा इससे आपका भी काम नहीं है इससे काम नहीं है इससे काम नहीं है इससे काम नहीं है इससे काम है चलो शुरू करते हैं जगत मोनेरा मेरे जितने भी भाई अभी लाइव जुड़ रहे हैं सबसे पहले मैं मोनेरा जगत की बात करूं और बहुत डीपली पढ़ाऊंगा चीजों को एक एक शब्द को समझना जगत मोनेरा की बात करूंगा मेरा भाई जगत मोनेरा की बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और समझ लेना इतने लेवल के साथ कि दोबारा कोई किताब के हाथ नहीं लगाना नंबर एक भाई साहब जगत मोनेरा के सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं बता चुका हूं ये बात तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं मोनेरा जगत में मैंने बार बार बोल रहा हूं मोनेरा जगत में जो जीव है वो एक कोश होते हैं भैया कत्ते ही फिक्स कर लो अपने दिमाग में एक कोश की जीव आते हैं इसमें मोनेरा जगत में एक कोश जीव आएंगे क्लियर है ये बात तो मोनेरा जगत में कौन आता है मोनेरा जगत में कौन आते हैं एक कौश के जीव होंगे और वो कैसे होंगे प्रो कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक मत कर देना प्रो केंद्रक नहीं पाया जाता है जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है इनमें चलो इनमें अधिकांश सूक्ष्म जीव आते हैं कौन कौन बता दिया जीवाणु नील हरिश सेबाल और माइक्रो इसमें आते हैं मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं मोनेरा जगत में वैक्टीरिया आते हैं नील हरिश सेवाल, नील हरिश सेबाल को बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया नील हरिश सेबाल को ही दूसरा नाम है इसका साइनो बैक्टीरिया भैया पूरा मैटर अपडेट कर रहा हूं बहुत अच्छे से और सीखते चलो सीखते चलो पूरी ताकत लगा दो चलो पूछेगा मोनेर जगत में कौन आता है जीवाणु नील नीलहरिश सेवाल और माइकोप्लाज्मा इन जीवों के केंद्रक पर केंद्र की आवरण नहीं पाया जाता है तथा आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो द्रव्य में बिखरा हुआ पड़ा होता है भाई सुन इस लाइन को समझ घबरा मत कितना भी कमजोर हो लेकिन जब मैं सिखा रहा हूं तो सीख ले देख जो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनमें जैसे कौशिका है ये कौशिका है दोस्तों तो कौशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता ऐसे समझ लो ये केंद्रक होता ही नहीं है जो मोनेरा की जो कौशिकाएं होती है उनमें ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती ये वाली ये ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती है इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो जब केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो जो कोशिका द्रव्य जो होता है ना सॉरी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए डीएनए व व आरएनए, आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए जो होता है वो कोशिका का द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है ऐसे समझो इनमें केंद्रक नहीं होता है और जब केंद्रक नहीं होता है तो डीएनए और आरएनए जो है इस कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है डीएनए और आरएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है बहुत अच्छी बात है एक एक लाइन को एक एक शब्द को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सीखिए आगे यह है यह है केंद्रक झिल्ली रहे थे केंद्रक को केंद्राव केंद्राव या आद्य केंद्र कहते दोस्तों जो मेरा कहने का मतलब यह है ये जो मोनेरा जगत के अंदर जो केंद्रक होता है पहली बात तो ऐसे मैं बोल रहा हूं होता ही नहीं है लेकिन केंद्रक के जैसी जो संरचना होती है ऐसे तो इसको बोलते हैं है। इस केंद्रक होता ही नहीं है लेकिन इसका नाम क्या दे रखा है? है नाम देते हैं इसको। ठीक है इसके अतिरिक्त इस जगत के जीवों की कोशिका में विकसित कोशिकांग जैसे हरित लवक माइट्रोकोड्रिया अंत जालिका अंत प्रदी जालिका गोलजी का, का है, ये नहीं पाए जाते सुनिए रिस्पाल थैंक यू भाई रिस्पाल जी लेकिन आप हो सकता है कि जयपुर में मेरे से बहुत पहले पढ़े होंगे लेकिन अब जो साइंस पढ़ोगे ना रिशपाल जी ऐसी साइंस होगी जो शायद कोई पढ़ा रहा होगा पढ़ाने को बाहर लोग छपाते होंगे लेकिन आपसे दावे के साथ कह रहा हूं आपको एक एक लाइन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है बस बात यह है थोड़ा समझिए हम ऐसे समझो कि हम प्रो कैरियोटिक जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हो मोनेरा जगत में 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 कौन आता है एक कोश के नाम को वापस दिमाग लेके आइए कोशिका वाले चैप्टर आपके आइएटिक जीव यू कैरियोटिक जीव प्रो कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक का मतलब है जिनमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है जिनमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है इनमें मुख्य कोशिकांग नहीं रहते हैं इनमें मुख्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में कौन आता है वैक्टीरिया साइनोवैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। इनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है इनमें मुख्य कोशिकांग नहीं पाए जाते माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना इनमें नहीं पाई जाती है अगली बात दोस्तों प्रकाश संश्लेषी वर्णक जैसे मेनली ऐसे कहते प्रकाश संश्लेषण होता है इनमें लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए र्ण हरित नहीं पाया जाता हरित लवक नहीं पाया जाता है एक अलग ही स्ट्रक्चर पाई जाती है प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्रोमेटोफोर यह कक्षा ग्यारहवीं का शब्द है बहुत अच्छा है क्रोमेटोफोर नामक संरचना पाई जाती है क्रोमेटोफोर क्रोमेटो, फोर। क्रोमेटो फोर नामक संरचना इनमें पाई जाती है क्रोमेटोफोर के रूप में होते हैं दोस्तों जब मैं आपको बैक्टीरिया का चित्र बताऊंगा कौन आता है इसमें मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हम किसके बारे में पढ़ रहे हो भाइयों? मोनेरा जगत अरे मोनेरा जगत का मतलब है बैक्टीरिया मोनेरा जगत का मतलब है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो आप फिर सुन लीजिए मोनेरा जगत का मतलब है कि आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो आप जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे हो आप जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे हो तो जीवाणुओं में प्रकाश जो वर्णक होता है वो हरित लवक नहीं होता है इनमें, इनमें एक अलग ही स्ट्रेक्चर पाई जाती है क्रोमेटोफोर याद हो जाए तो ठीक है नहीं बहुत हाई लेवल का शब्द है क्रोमोटोफोर के रूप में होते हैं जो इन इसमें 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 इस जो क्लोरोफिल रहता है वो लबक में नहीं पाया जाता क्रोमोटोफॉर्म में पाया जाता है देखो मैंने एक बात यहां लिखी है दोस्तों ऐसे समझो ये जो मोनेरा जगत हम पढ़ रहे हैं जो हम बैक्टीरियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनमें जो क्लोरोफिल रहता है ना इनमें जो क्लोरोफिल रहता है इनमें जो क्लोरोफिल रहता है वो लबक में नहीं रहता इनमें जो क्लोरोफिल रहता है वो लबक में नहीं रहता क्रोमेटो फॉर्म में रहता है जैसे ये बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया जीवाणु है और इसमें ये क्लोरोफिल चाहिए भाई अगर आपको प्रकाश संश्लेषण करना है तो क्लोरोफिल चाहिए लेकिन ये जो क्लोरोफिल है जैसे ये ये भीतर देखो ये क्लोरोफिल है ये है क्लोरोफिल लेकिन ये क्लोरोफिल जो है ये आपके हरित लवक में नहीं होता तो ये जो संरचना में पाया जाता है जिसके भीतर ही रहता है उसको बोलते हैं फोर्म। क्रोमेटोफोर में इसके भीतर है क्लोरोफिल है इसमें क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल है इसमें क्लोरोफिल है लेकिन वो क्लोरोफिल क्रोमेटोफॉर्म नामक संरचना में पाया जाता है क्लियर यह है यहां तक की बातें एक और चीज शोषण एंजाइम कोशिका झिल्ली के अंतरबलन मीजोसोम पर होते हैं दोस्तों बहुत अच्छा शब्द है प्लीज बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों हमारे अंदर सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं और कोशिकाओं में जिन कोशिकाओं में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे शोषण की क्रिया होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया शोषण अंग के रूप में हमारे अंदर शोषण अंग के रूप में जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ग्लूकोज का दहन कहा होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का दहन कहा होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में बाय श्वसन की क्रिया कहां होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में लेकिन इनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है तो फिर इनमें श्वसन स्थल के रूप में क्या पाया जाता है मीजोसोम पाया जाता है श्वसन स्थल के रूप में जैसे कौशिका झिल्ली जो होती है ना कौशिका झिल्ली में ही मीजोसोम होते हैं कौशिका झिल्ली में पाए जाते हैं मीजोसोम यहां होती है श्वसन की क्रिया कौशिका झिल्ली में मीजोसोम होते हैं ये श्वसन स्थल है सुन दो जो यू कैरियोटिक जीव होते हैं जैसे हम यू कैरियोटिक जीव है तो यू कैरियोटिक प्राणियों में शोषण अंग, अंग के रूप में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जीवों में शोषण अंग के रूप में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन इनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है इनमें शोषण अंग के रूप में मीजोसोम पाया जाता है मीजोसोम पाया जाता है पोषण 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 की दृष्टि से ये रासायन संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी भी होते हैं परपोषी भी होते हैं दोस्तों मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते हैं वो रासायन संश्लेषी भी होते हैं अलग चीज है ये प्रकाश संश्लेषण अलग चीज है रासायनिक संश्लेषण अलग चीज है तो ये अपना जो भोजन बता बनाते हैं उसमें एक तो ये रासायन संश्लेषी होते हैं रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाएंगे नंबर दो कुछ प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं मोनेरा जगत के अंदर मोनेरा जगत के अंदर कुछ प्रकाश संश्लेषी जीव भी होते हैं और कुछ जीव परपोसी भी होते हैं भोजन के लिए दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं तो जो मोनेरा जगत के जो जीव है मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है ये भोजन के लिए दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं और ये रासायनिक संश्लेषी भी कहलाते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति है सामान्यतः की बनी होती है एक ही शब्द है शब्दीडो ग्लाइकेन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जो कहने का मतलब हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत के जीवों के बारे में मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते हैं उनकी कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति का मतलब ये पादपन में जाएगा ये तो जिनमें का भित्ति है इसका मतलब थे तो पादपों में काउंट होते हैं हाँ होते हैं बिल्कुल ये पादपों में ही काउंट होते हैं दोस्तों इनकी जो कौशी का भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन 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 की बनी होती है ये चीजें याद करनी पड़ेगी मेहनत का काम है नहीं तो है ये नहीं तो मैं आपको बता दूं लोगों ने जो आपको पढ़ा रखा है ना वो तो ये है लोगों ने मोनेरा जगत को इतना सा पड़ा रखा है देखो ये चार्ट बना रखा है ये ये चार्ट बना रखा है लोगों ने और मोनेरा के ऊपर ही छह लाइन बोलेंगे और मोनेरा जगत को पूरा कर देंगे मेरे भाइयों लोगों ने क्या कर रखा मोनेरा जगत के ऊपर ही छह लाइनें बना रखी है ये लो हो गया मोनेरा जगत जय हो, हो गया मोनेरा जगत नहीं भाई ऐसे नहीं होगा मोनेरा जगत मोनेरा जगत को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मोनेरा जगत को अच्छे से सीखने के लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जबकि जो आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं आद्य जो जीवाणु होते हैं आद्य जीवाणुओं में प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त कोशिका भित्ति भित्ती पाई जाती है ये अपने में एक मोस्ट लक्षण है आद्य जो बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया अलग चीज है यू बैक्टीरिया बैक का मतलब है सत्य जीवाणु यू बैक्टीरिया का मतलब है वास्तविक जीवाणु एक होते हैं आद्य बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरियाओं में आद्य बैक्टीरियाओं में जो कौशी बनी होती है ना वो ध्यान रखना प्रोटीन का है, प्रोटीन युक्त युक्त होती होती है है ये बहुत अपने आप भी एक खास चीज है आगे बोलूंगा इसका ये आगे भी है आद्य बैक्टीरिया जो होता है आद्य बैक्टीरिया का मतलब समझते हो एक तो वास्तविक बैक्टीरिया एक होते हैं आद्य बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो जुगादियों से चलते हुए आ रहे जो सौ डिग्री पे भी मिलते हैं सौ डिग्री टेम्परेचर पे जिंदा है जो माइनस चालीस डिग्री पर भी पड़े हैं वो है आदि बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया जुगादियों के बैक्टीरिया जो सौ डिग्री पर भी जिंदा है जो माइनस चालीस डिग्री पर भी जिंदा है ओहो हो जय हो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं आदि बैक्टीरिया उनकी कौशिका भित्ति प्रोटीन युक्त कौशिका भित्ति होती है दोस्तों इनमें सत्तर ऐसे प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है पड़ा है प्रो कैरियोटिक जी प्रो कैरियोटिको कैरियोटिक में होता है सत्तर ऐसे प्रकार का राइबोसोम जबकि यू कैरियोटिक में सत्तर बेअस्सी दोनों सत्तर बेअस्सी दोनों सत्तर बेअस्सी दोनों यू कैरियोटिक में यहां पर सत्तर ऐसा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इनमें वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है वास्तव में जो लैंगिक जनन होना चाहिए था वो इसमें नहीं पाया जाता है शुक्राणु अंडाणु का मिलना वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है यहां पर एक शब्द बोलेंगे युग्मन ये शब्द काम में आएगा एक विधि है ऐसे समझो अलैंगिक जनन भी होता है इनमें इनमें अलैंगिक जनन भी होता है कुछ में कायिक जनन भी होता है ऐसा लिखा है किताबों के अंदर लेकिन जो मेन शब्द है वो है संयुग्मन लैंगिक जनन विकल्प के रूप में पाया जाता है संयुग्मन लैंगिक जनन का मतलब होता है एक तरफ से जैसे ऐसे समझो नर शुक्राणु आएगा है ना अपने अपनी भाषा में बता रहा हूं एक तरफ से शुक्राणु आएगा एक अंडाणु आएगा नली नली में और नली में आके आके मिल जाएंगे ऐसे तो संयुग्मन ये जनन के लिए एक विकल्प है इनके अंदर एक एक शब्द लिखना है एक एक शब्द को समझना है फिर बताऊंगा क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा कौशी का विभाजन S-सूत्री, भैया ये देखो, बात सुनो, इनमें जो कौशी का विभाजन है उसका तरीका है एसूत्री ए माइटोसिस भैया समसूत्री अलग है अर्धसूत्री अलग है ये तीसरा प्रकार का है विभाजन इसका नाम है ए विभाजन ए विभाजन होता है चलिए अब इसमें कौन कौन आएगा दोस्तों मोनेरा जगत में एक तो आद्य वैक्टीरिया आते हैं आद्य जीवाणु आद्य वैक्टीरिया एक आते हैं यू वैक्टीरिया सत्य 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 जीवाणु साइनोवैक्टीरिया नीलहरिश सेवाल इन्हें कहते हैं एक माइकोप्लाज्मा। इन चारों का वर्णन हमें एक एक करके लिखना है मतलब ज्यादा नहीं ना भाई तो चारों के ऊपर से आपको चीजें तो लिखनी लिखनी है लेकिन आने लायक तो यही है सौ में से निन्यानवे बार क्वेश्चन यू बैक्टीरिया मतलब सत्य जीवाणु वास्तविक जीवाणु सौ में से निन्यानवे बार क्वेश्चन इस वाले बैक्टीरिया से ही आएगा लेकिन फिर भी जैसे आद्य बैक्टीरिया है साइनोवेक्टिव माइकोप्लाज के ऊपर जो भी चार चार पांच पांच क्वेश्चन होंगे वो हमको सीखने हैं बाकी का जो बैक्टीरिया है मेन जो बैक्टीरिया है वास्तविक जो जीवाणु है उसके बारे में चीजें हमें नोट करनी है सबसे पहले हमारा वर्णन शुरू होता है आद्य बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया किसे कहते हैं आर की भी बोलते इसको। आर की दिया देखो आर की बैक्टीरिया भी या आद्य जीवाणु तीनों एक ही बात है आद्य बैक्टीरिया बोलो आर की बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया बोलते इसको ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है पहले सूत्र सीखो छोटे छोटे प्रश्न करो उन्हीं से धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करो न्यूमेरिकल में छोटे 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 न्यूमेरिकल करते करते ऑटोमैटिक न्यूमेरिकल बड़े होने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करो दोस्तों इसके बारे में पढ़ लो आदि बैक्टीरिया ये जीवाणु विकास की दृष्टि से अति प्राचीन माने जाते हैं बहुत पुराने जुगादियों से चलते आ रहे जीवाणु ठीक है ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए थे ये प्रोटीन युक्त इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती बताई थी ना मैंने पहली बात है ऐसे समझो कि विज्ञान ऐसे कहती है कि बहुत पुराने जुगादियों से चलते आ रहे जीव है तो विकास की दृष्टि से माने बेटा नो अगर विकास की दृष्टि से देखें, तो ये सबसे पुराने बैक्टीरिया माने जाते हैं और दोस्तों इनकी जो कौशी का भित्ति है ना वो प्रोटीन युक्त कौशी का भित्ती होती है ये ही वो चीज है जो इनको किसी वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है दोस्तों ये वो बैक्टीरिया है जो सौ डिग्री पर भी जिंदा है ये वो बैक्टीरिया है जो -40 डिग्री पर भी जिंदा है भाई दोस्तों ये जो हम बोल रहे हैं ना आर की बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया है जो सौ डिग्री पर भी जिंदा है ये वो बैक्टीरिया है जो माइनस चालीस डिग्री पर भी जिंदा है ये वो बैक्टीरिया है जो जीवों के शरीर में भी जिंदा है ये आर की बैक्टीरिया है इनमें प्रोटीन युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है ये इनकी खासियत है आगे देखो आर्की बैक्टीरिया ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां अन्य जीव नहीं पनप सकते अन्य जीव नहीं पनप सकते नहीं पनप सकते दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया ऐसे ऐसे वातावरणों में आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया ऐसे ऐसे वातावरणों में निवास करते हैं जहां पर कोई और जीव नहीं पनप सकता वहां पे जहां ना हो कोई वहां हो बैक्टीरिया वो बड़ी बात है उदाहरण के लिए थर्मो एसिडोफिल्स ये वो बैक्टीरिया है जो लगभग 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर और बहुत अत्यधिक अम्लीय अम्लीयता वाले वातावरण में निवास करते हैं इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया हेलोफिल्स ये अत्यधिक लवणीय जल में पाए जाते हैं हेलोफिल्स बैक्टीरिया मैथेनोजेंस ये मैथेन उत्पन्न करते करने वाले मृतोपजीवी जीवाणु हैं। ये गाय और भैंसों की आंतों में पाए जाते हैं दोस्तों वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं वो बैक्टीरिया जो अत्यधिक लवण लबन, लबणीय पानी में पाए जाते हैं उनको हेलोफिल्स बोलते हैं और गाय और भैंस की आंतों में पाए जाते हैं मैथेनोजेंस बैक्टीरिया जो गाय है, गाय है भैंस है उनकी छोटी आंत बड़ी आंतों में देखने को मिलते हैं इनको बोलते हैं मैथेनोजेंस पहली बार लाइव देख रहे हो तो लाइव तो आप देख लो लेकिन थोड़ा सा आप है ना जो वनस्पति विज्ञान को शुरू से पढ़ते आओ क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत यहां पड़ती है बाकी का इसके बाद हम फिजिक्स पूरा लाइव पढ़ेंगे केमिस्ट्री पूरा लाइव पढ़ेंगे वापस से बायोलॉजी लाइव पढ़ेंगे तो इसलिए आप देखते आइए दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे दोस्तों यू बैक्टीरिया ये वो वास्तविक बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु जिनको हम बोलते हैं सत्य जीवाणु या जीवाणु बोल देते हैं ये मोनेरा जो जगत है ये आपका कल हो जाएगा घबराने की जरूरत नहीं है धैर्य से पढ़ लो हो जाएंगी धीरे धीरे चीजें क्लियर कल शुरू करेंगे इसका ये मेन वर्णन इसका यह कल पूरे एक घंटा ऐसे समझ लेना कि हम बैक्टीरियाओं के बारे में पढ़ेंगे जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे कल की पूरी क्लास यू बैक्टीरिया या इनको हम सत्य जीवाणु या जीवाणु बोलते हैं इनके बारे में कल स्टडी करेंगे तो आराम से सीख लो ये वो चीजें हैं जो लोगों पे नहीं आती है प्लीज सच बता रहा हूं लोग इनके बारे में जीरो है जीरो और आप इनके बोले जाएंगे हीरो ठीक है करते चलो यार हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है बाकी का कल मिलते हैं इसी टाइम और धीरे 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 चीजों को याद करो और पुरानी वीडियो उनको देखते आओ चलिए थैंक यू